ओके okay, जी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल डूंग सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ अगर तो आप अनम्यूट करना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं uh, लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर आप चैट करना चाहें तो चैट में आपके पास ऑप्शन आता है कि यू चैट विद होस्ट और यू चैट विद एवरी सो यू चैट विद एवरी इन द मीटिंग ताकि आपके जो भी सवालत हैं वो हर किसी को नजर आए तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा

अबाउट दिस कैफ थ्री कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मेरा अपना एक अलग तरीकेकार है सो आई डिड नॉट डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ डिस्कसिंग दबाउट दिलेबस एंड द कोर्स एंड द कंटेंट बट राधर मैंने जो है वो डायरेक्टली कास्टिंग पढ़ाना शुरू करी थी मैंने डायरेक्टली कास्ट की बातें करना डिस्कस करी थी सो so, उस कॉस्ट की बातों को मैंने डिस्कस करते हुए कुछ थोड़ी सी चीजें डिस्कस की थी कि जी कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है कॉस्टिंग के फ़वाद क्या क्या होते हैं वगैरह 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 ये मैंने तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करी थी अच्छा जी ये चीजें डिस्कस करने के साथ साथ मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था एंड दैट द ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन तो उस कॉस्ट क्लासिफिकेशन को मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था मैंने कहा था जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन ये होती है कि जो भी आप कॉस्ट इंकर करते हैं उस कॉस्ट को किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आई रिपीट किसी भी कॉस्ट को आप एंकर करते हैं तो उस कॉस्ट को किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर डाल देना

तो आप जब को करते हैं, तो type, दो चीजों को डिस्कस किया था मैंने कोई और मजीद चीज डिस्कस नहीं करी थी तो हमने जो चीजें डिस्कस करी थी विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन बाय टाइप तो उस क्लासिफिकेशन बाय टाइप में मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी थी कि जी क्लासिफिकेशन बाई टाइप में होता ही है कि आपने जो वो क्लासिफाई कर दिया इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडिंग द मटेरियल इंक्लूडिंग द लेबर इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस ये मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं मैंने पे आपको जो वो लेस की एग्जांपल के थ्रू ये समझाया था कि जी मटेरियल क्या होगा मैंने कहा था लेबर क्या होगा मैंने कहा था अदर एक्सपेंसेस क्या होंगे आई डेंट एक्सप्लेन टू यू पीपल थ्रू दिस स्पेसिफिक एग्जांपल ये मैंने एक्सप्लेन किया था और ये मैंने एक्सप्लेन करने के साथ साथ आगे बढ़ा था और आगे बढ़ते हुए फिर मैंने नेक्स्ट बात की थी दैट वाज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन के अंदर मैंने एक चीज ये डिस्कस की थी कि जी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एक काम होता है जो भी एक बड़ा टास्क होता है दैट इज कंसिडर टू बी अ फंक्शन आई रिपीट आपका जो भी काम होता है जो भी एक बड़ा टास्क होता है दैट इज कंसिडर टू बी अ फंक्शन क्या मतलब बड़ा काम होता है बड़ा टास्क होता है तो मैंने कहा था कि देखो जो प्रोडक्शन है ना वो प्रोडक्शन एक फंक्शन है अब वो अलग बात है कि उस प्रोडक्शन के फंक्शन को आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं क्या मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कटिंग है स्टिचिंग है पैकेजिंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं नाउ सो बेसिकली वट है कटिंग हो गई स्टिचिंग हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ एक फंक्शन होता है फिर हमने उसके बाद जो है मजीद चीजें डिस्कस करी थी हमने मजदीद बात ये करी थी कि जी जो है क्या बोलते हैं कि आपके पास किसी भी स्पेसिफिक कॉज को उसके रेलिवेंट फंक्शन के अंदर डाल देना दैट इज कंसिडर टू बी क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन क्या मतलब है मतलब उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कशन ये करी थी मैंने आपसे कहा था कि देखें जी बात यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन फंक्शन है एडमिन एंड फाइनेंस फंक्शन है मार्केटिंग फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये तमाम के तमाम मुख्तलि तरह के फंक्शन है इन तमाम के तमाम फंक्शन को हमने जो एक जनरली डिस्कस किया था कि जो भी इससे रिलेटेड कॉस्ट होगी उसको आप इस रेलेवेंट हेड के अंदर डालेंगे दैट इज समिंगट वी टॉक्ट अबाउट अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेड जी प्लीज जी भाई अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं

अच्छा भाई लेट्स मूव सो अब जो थर्ड कैटेगरी है वो थर्ड कैटेगरी ये होती है कि आप कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं इनटू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आप कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं इनटू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अच्छा भाई ये कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासीफाई करने का मकसद क्या होता है इसको जरा थोड़ा सा समझना इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कंसिडर टू बी द कॉस्ट यूनिट इसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कॉस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट यूनिट का मतलब ये होता है कि इस uh, स्मॉलेस्ट आइटम

एक कंपनी जो ऑटो कार मैनुफेक्चर है उसके लिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट यूनिट शायद एक मोटर कार होगी एक कंपनी जो कि जो है वो बेसिकली मोटर मोटर कार मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट यूनिट शायद मोटर कार होगा उसके साथ साथ अगर मैं मजीद बात करता हूँ तो लेट्स ए के एक uh, uh, जो है वो बेसिकली बिस्किट मैनुफेक्चर कंपनी वाले कंपनी है तो उसके लिए जो है वो शायद uh, शायद स्मॉलेस्ट कॉस्ट यूनिट जो है एक बिस्किट का पैकेट होगा

एक बात अपना समझिएगा डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं जब हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट का जो एलिमेंट होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ही होता है कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूटेबल

तो उस कार मैन्युफैक्चर करते हुए उसको पता है कि जी मेरा जो मटेरियल इस कार के अंदर यूज होगा वो कितना स्टील होगा कितना इंजन यूज़ होगा कितने टायर्स यूज़ होंगे और कितने जो है वो आपकी सीट्स यूज होंगी कितनी जो है वो लाइट्स यूज़ होंगी कितने बम्पर्स यूज होंगे वगैरह 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 कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस कंपनी को पता है जो कि स्पेसिफिकली एट्रिब्यूट हो सकती है टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट सही है ओके जी So anyways, Again, cost, तो एनी बैक टू इट देखें अब हमने बात करी विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट में मैं कॉस्ट का जो एलिमेंट है डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? का मतलब कुछ तरीके से हर वो कॉस्ट आई रिपीट हर वो कॉस्ट जो कि क्या होती है हर वो कॉस्ट जो कि एट्रीब्यूटेबल हो टू गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट हर वो कॉस्ट जो कि स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल होगी टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट यहां तक क्लियर है जी भाई यहां तक क्लियर है

All costs other than the direct cost they are considered to be indirect cost. अब जैसे for example इसमें जरा समझिएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं ये car manufacturing की बात करूं इस car manufacturing के अंदर कुछ material लग रहा है जो कि direct material है कुछ material लग रहा है जो कि indirect material है अच्छा क्या मतलब कुछ material लग रहा है जो कि डायरेक्ट material है क्या मतलब कुछ material लग रहा है जो कि इनडायरेक्ट material, मतलब material, material है उसकी जरा बात समझिएगा जरा बात देखिएगा बेसिकली है कुछ तरीके से अगर जो है आ, ये जो प्लांट चल रहा है इस प्लांट के ऊपर जो है वो आप अगर देखोगे तो डीजल चल रहा होगा प्लांट को चलाने के लिए उसके साथ साथ जो है ना प्लांट की ऑयलिंग हो रही होगी ये मुख्तलिफ तरह की कुछ जो चीजें होती हैं ये किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी के ऊपर ट्रेस नहीं हो सकती ये इन जनरल होती है ये किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी के ऊपर नहीं ट्रेस हो सकती ये एक इन जनरल होती है तो जब ये किसी स्पेसिफिक गाड़ी के ऊपर ट्रेस नहीं हो सकती तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट तो इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के एबार से मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट क्या है जो कि किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पे एट्रीब्यूट हो जाए और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है जो कि किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पे एट्रीब्यूट नहीं हो सकती तो याद रखें कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो डायरेक्ट मटीरियल भी हो सकता है ये डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है ये डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है ये डायरेक्ट लेबर भी, भी हो सकता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी आप समझे इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है क्या मतलब प्रोडक्शन प्लांट चल रहा है प्रोडक्शन प्लांट चल रहा है तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई गाड़ी के अंदर स्टील लग रहा है गाड़ी के अंदर जो है वो बेसिकली इंजन लग रहा है एक्सेट्रा ये सब कुछ डायरेक्ट मटेरियल लेकिन जो मशीन है उस मशीन का ऑयल लग रहा है सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर है तो जो बेसिकली मशीन ऑपरेटर है वो मशीन ऑपरेटर एक डायरेक्ट कॉस्ट लेकिन जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर एक इनडायरेक्ट कॉस्ट सुपरवाइजर है वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट अच्छा जी कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेज होते हैं मे बी पॉसिबल के अगर हम इंडस्ट मोटर की बात कर ले तो ऐसा हो सकता है आई रिपीट मे बी पॉसिबल अगर हम इंडस मोटर की बात करते हैं तो है इंडस मोटर शायद ये कहे कि जी जो है क्या बोलते हैं कि हम हर गाड़ी बनाते वक्त एक लाख रुपए जो है वो टोयोटा जापान को देते हैं हम हर गाड़ी के ऊपर एक लाख रुपए टोयोटा जापान को देते हैं तो जब एक स्पेसिफिकली एक लाख रुपए ट्रेस हो सकते हैं एक सिंगल कॉस्ट यूनिट के ऊपर सो दे आर गोना बी देर एज डायरेक्ट कॉस्ट जब वो ट्रेस हो सकते हैं एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट के ऊपर सो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट कॉस्ट अच्छा इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपके तमाम के तमाम चीजें जिसके अंदर जो है वो आपके पास जो आपकी मशीन चल रही है उसकी डेप्रिसिएशन आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका रेंट हो गया आपका उसके अलावा जो है आ, मजीद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई पावर की कॉस्ट हो गई ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये फॉल कर जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और भाई जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उस indirect expenses को, उस indirect expenses को, उस इनडायरेक्ट 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 एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को को कॉस्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी ओवर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उस इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका दूसरा नाम जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी ओवर तो अगर मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट एंड डायरेक्ट तो उसमें भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जी उस्मान ऑपरेटर इस तरह से एट्रीब्यूटेबल है क्योंकि जो ऑपरेटर होता है उसका पता होता है कि यार ये ऑपरेटर जो है वो उसका मेजरली पता होता है ऑपरेटर का कि यार ये इस गाड़ी पे काम कर रहा है ये इस मशीन पे इस प्लांट पे काम कर रहा है तो इसको प्लांट पे इतनी नंबर ऑफ गाड़ियां बनेंगी तो उसके अकॉर्डिंगली इसको इतने इतने पैसे मिलेंगे। तो ऑपरेटर का आपको इसलिए पता होता है इसलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट हो है। हा भाई सही है यहाँ तक क्लियर है जूमआउट कर दू थोड़ा सा दो मिनट के लिए आप सबके लिए ताकि आप लोग देख लें कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट राइट तो जितना मैंने डिस्कस किया डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें और एल्स आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड ओके इनडायरेक्ट कॉस्ट में बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट रिपीट कर देता हूँ आपको डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आया ना आ, ये दो तीन बच्चों का है हेमंत चौहान बदूल एक्सेट्रा देखें बेटा डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आया ना मतलब इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको आप मेरी बात सुने आप आप कल हमने लेस के चिप्स की बात करी थी कल हमने लेस की बात करी थी ना सही है अब लेस के ऊपर जो है वो मैं कल वाली अगर एग्जाम्पल पे आ जाऊं कि लेस का चिप्स जो मैंने मैन्युफैक्चर किया था उस लेज के चिप्स के ऊपर मैं कॉस्ट के ऊपर आता हूं देखें आलू की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है ये तेल मशीनों का तेल नहीं है ये तेल फ्राई करने वाला तेल क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, है ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि उसकी रीजन है कि भाई इतने सारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे होते हैं इतने सारे चिप्स फ्राई हो रहे होते हैं ये एक सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं अच्छा जी स्पाइसिस एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट है अच्छा जी उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि जो सुपरवाइजर की कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है मशीन ऑपरेटर की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है जो कटर की कॉस्ट है वो कटर की कॉस्ट पैकेजिंग की कॉस्ट ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है पैकेजिंग की कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट है कटर की कॉस्ट भी शायद डायरेक्ट कॉस्ट है डिपेंडिंग अपॉन कि पेमेंट किस तरह से की जाती है लेकिन ये जो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं क्योंकि गैस इलेक्ट्रिसिटी रेंट मेंटेनेंस ये इन जनरल पे किया जाता है फॉर द फैक्ट्री आई रिपीट ये इन जनरल पे किया जाता है फॉर द फैक्ट्री ये किसी स्पेसिफिक एक लेस का चिप्स बनाने के लिए नहीं पे किया जा रहा तो so जब ये किसी स्पेसिफिक एक लेस का चिप्स बनाने के लिए नहीं पे किया जा रहा तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर इंडायरेक्ट दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर डायरेक्ट कॉस्ट सही है हो गया ना समझ में आ गया ना सही है चलें गुड एनफ बतूल आपको भी आ गया समझ में अच्छा आंसर अगर डेप्रीसिएशन आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंगली हो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी ये अगर डेप्रीसिएशन आउटपुट मेथड यानी आप कह रहे हैं कि वन सिंगल जो है यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से डेप्रिशन होगी वरना नहीं होगी सो यस इट कुड बी बीसिडर इन दैट केस बिकॉज स्पेसिफिकली अराइज हो रही एट्रीब्यूट हो रही या ट्रेसेबल कॉस्ट जो होगी दैट इज गोइंग टू बी मियाम दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एजलीब्यूटेबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मजीद बात करते हैं मजीद अगर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूं तो मैं आपको समझाता हूं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्लासिफिकेशन हो गई बाय फंक्शन भी हो गई क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हो गई बाय डायरेक्ट इंडायरेक्ट अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है ना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन देखें अब मैं आपको एक बात बताता हूँ एक इदारे के अंदर जो भी कॉस्ट कर होती है उस कॉस्ट को आप स्प्लिट कर सकते हैं उस कॉस्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आई रिपीट एक इदारे के अंदर जो भी कॉस्ट चिंकर होती है उस कॉस्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू द नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नाउ व्हाट नेक्स्ट इज प्रोडक्शन का मतलब कुछ तरीके से कि हर दुनिया यहाँ की चीज जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से यानी कि आप जैसे फैक्ट्री का रेंट है फैक्ट्री का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है फैक्ट्री की जो है क्या बोलते हैं कि स्टाफ की सैलरी है उसके बाद मटेरियल हो गया उसके बाद जो है वो लेबर हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने कहा ये सारे के सारे लोग किस पर्पज के लिए यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए अच्छा भाई अब इसी तरीके से एक कंपनी का सी है एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक कंपनी का जो है वो बेसिकली एडमिन इन चार्ज है एक कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग का डायरेक्टर है ये तमाम की तमाम जो कॉस्ट होती है ये आपको पता है इनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ये कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग से हट के काम कर रहा तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे मैन्युफैक्चरिंग से हटके काम कर रहे हैं तो आप इन तमाम की तमाम कॉस्ट को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर करेंगे सो अगेन मैं कह रहा हूं, ये एक एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है है तरीके का हर आदमी एक अलग तरीके से क्लासीफाई करता है हर बिजनेस एक अलग तरीके से क्लासीफाई करता है दैट इज वॉट इट इज याद रख लेना जी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ू ओके okay. uh, शायद uh, इन वो पॉइंट फोर रिपीट कर दूँ पॉइंट फोर में बेटा ये है प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ये होता है कि आप क्या करते हो आप कहते हो कि भाई बेसिकली मुझे जो है आ, वो क्या करना है कि वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक़ प्रोडक्शन से जिनका ताल्लुक़ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से अब वो चाहे डायरेक्ट कॉस्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो आई रिपीट चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो तो वो तमाम की तमाम चीजें जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से है उन तमाम को मैं एक कैटेगरी में डालूंगा और वो कहलाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट और इसके अलावा जैसे भी नॉन प्रोडक्शन मीन्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड अदर देन प्रोडक्शन यानी कि जिसका ताल्लुक गुड्स को प्रोड्यूस करने से नहीं है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से नहीं है वो तमाम के तमाम चीजें जो है जो सपोर्ट फंक्शन है अदर देन प्रोडक्शन दे आर ऑल गोना बी कंसिडर्ड एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ये आपके पास कॉस्ट होती है क्या होती है प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ये आपके पास कुछ इस तरीके से कॉस्ट हो जाती है। सही है अब क्लियर है बेटा सही है यस uh, फैक्ट्री yes, से रिलेटेड प्रोडक्शन होगी मेजरली ओके okay, जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं मदीद इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अगर सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हो और नॉर्मल एम्प्लॉय भी हो तो उसकी सैलरी कैसे ट्रीट करेंगे स्प्लिट कर दें बेटा स्प्लिट कर दें इसकी सैलरी स्प्लिट कर दें उसकी सैलरी स्प्लिट कर दें पार्शियल प्रोडक्शन में ले जाए पार्शियल नॉन प्रोडक्शन में ले जाए परसेंटेज बेसिस पे कि कितना कितना जो है वो उसने अल्टीमेटली जो है ना कितना कितना उसने जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किया कितना कितना इस्तेमाल नहीं किया उसके अकॉर्डिंगली इसको ओके okay. जो आखिरी जो क्लासिफिकेशन है वो आखिरी क्लासिफिकेशन जो है ना दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी जो आखिरी ट्रांजैक्शन है वो आखिरी कंसिडर्ड क्या कहलाती है मैं एक सेकेंड एक्सप्लेन कर दू दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी जो फिफ्थ वन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर तो so, अगर आप कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं बाई बिहेवियर सो दट इज दन वट इज दिस नेक्स्ट वन तो क्लास्ट क्लासिफिकेशन बाई बिहेवियर का मतलब यह है चेंजिंग एक्टिविटी लेवल कि जी कॉस्ट के क्लासिफिकेशन बिहेवियर का मतलब क्या है कि कॉस्ट आपकी चेंजिंग एक्टिविटी लेवल्स के साथ कैसे चेंज होती है मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट पे क्या इम्पेक्ट आएगा अगर मैं आधार यूनिट बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट पे क्या इम्पेक्ट आएगा मैं पांच यूनिट बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा सो बेसिकली वट है क्लासिफिकेशन कॉस्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो यानी कि कॉस्ट बिहेवियर की बात करते हैं तो हम एक बात ये करते हैं हम कहते हैं कि जी कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है आपके चेंजिंग एक्टिविटी लेवल का अगर आपके एक्टिविटी लेवल चेंज होते हैं तो, उससे आपकी के क्या आता है? तो जो के होते हैं, वो के में एक होता है दैट इज कंसिडर टू बी फिक्स कॉस्ट और वो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी कॉस्ट दैट

फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि अगर कोई भी कॉस्ट ऐसी है जो लट से तीन लाख रुपए है तो तीन लाख रुपए आपको देने ही पड़ेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ आप काम करो या इरिस्पेक्टिव ऑफ काम नहीं करो तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि फिक्स कॉस्ट एक्चुअली मीन्स वॉट फिक्स कॉस्ट का मतलब सिंपली ये होता है कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि बेसिकली एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती एक ऐसी कॉस्ट जो कि एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती इस फिक्स कॉस्ट की जो एग्जाम्पल है वो यूजली रेंट होता है देखें अगर आपकी किसी महीने फैक्ट्री इस्तेमाल हो किसी महीने फैक्ट्री इस्तेमाल ना हो तो आपका रेंट तो चेंज नहीं होता ना रेंट रिमेन्स द सेम आई आयुर्वेद रेंट तो चेंज नहीं होता रेंट रिमेंस द सेम तो अगर रेंट चेंज नहीं होता रेंट रिमेंस द सेम तो अल्टीमेटली क्या हो गया रेंटल की जो कॉस्ट है वो रेंटल की कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आएगी इसी तरह से आपका जो स्टाफ की सैलरीज होती हैं स्टाफ की सैलरी का आपका पे रोल इज ऑल गोइंग टू बी कंसीडर्ड अगेन अदर कॉस्ट आई रिपीट वो भी तमाम की तमाम चीजें क्या होंगी वो भी तमाम कॉस्ट की तमाम कैटेगरी के अंदर आएंगी तो अगर वो भी तमाम कैटेगरी तमाम के अंदर आएंगी तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है का? का ये क्या? के चाहे जितना भी काम करा लो अल्टीमेटली वो पैसे तो नहीं चेंज होना है. अब एक मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर जो फॉर एग्जाम्पल जो ट्यूटर्स भी होते हैं हु आर एक्चुअली ऑन अ सैलरी तो बच्चे क्लास में दस हो बच्चे क्लास में पांच हो बच्चे क्लास में पचास हो ही हैज़ टू गेट एन एक्स अमाउंट, तो ही विल गेट एन एक्स अमाउंट लाइक फैक्ट्री रेंट यस सही जी यहां तक ले रहे फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ना जब ग्राफ बनाते हम फिक्स फिक्स कॉस्ट कॉस्ट का का तो ग्राफ तरीके से जैसे आपका जो एक्स एक्सेस है उसपे एक्टिविटी है और जो वाई एक्सेस है उस पर आपकी कॉस्ट तो अगर एक्स एक्सेस पे आपकी एक्टिविटी है वाई एक्सेस पे आपका कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ यू होता है। Repeat, जो आपका फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है वो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ यू आप समझिएगा आपका जो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होता है वो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जिस तरीके से तो होता तो है मैंने आपको बता हूं सही है यहां तक क्लियर हो गया ना भाई एवरीवन इज ओके विद इट अच्छा जी मैंने आप लोगों के कल के फीडबैक के ऊपर अपनी पेस आज स्लो कर दी है सो आई एम एक्चुअली टेकिंग शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक वाइल एक्चुअली टीचिंग ताकि जो है वो आप लोग एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें सो so, जो कल फीडबैक्स था कि भाई सर पेस तेज़ है आपकी तो आई हैव एक्चुअली ट्राइड टू रिड्यूस दैट पेस टूडे ताकि आप लोगों के लिए वो मैनेजेबल हो जाए सब कुछ ओके okay. अच्छा जी नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अ बिट फर्दर तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन होती है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को इस तरीके से होती है कि जब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन की होती है वो ये होती है कि आप कहते हैं कि देर इज अमथिंग विच इज कंसिडर टू बी स्टेप फिक्स कॉस्ट देर समथिंग विच इज कंसिडर टू बी स्टेप फिक्स कॉस्ट ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसकी मैं कुछ थोड़ी सी बात करता हूं कि जी ये स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है और क्या नहीं स्टेप फिक्स कॉस्ट ये होती है कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि बेसिकली अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स अप टू अ सर्टन एक्टिविटी लेवल बेटा ये आईकेफ की बुक में आपको नहीं मिलेंगे आईकेफ की बुक ओवर तो आई नहीं है अभी तक अच्छा जी अस दैट रिमेन्स फिक्स अपटू अ सर्टन एक्टिविटी लेवल एंड देर इज अ स्टेप Increase in, in this cost after reaching an activity level, it then remains fixed for the future. Activity levels. So a cost that remains fixed up to a certain activity level, and then there is a step increase in this cost after reaching an activity level. It then remains fixed for the future activity levels. <laughs> Madlap kyogia Madla that samja is the graph. कि जी आ, मिसाल है एक लाख यूनिट तक आपकी जो ना कॉस्ट जो है ना जो भी थी लेट से एक दो मिलियन की कॉस्ट थी अचानक से कॉस्ट बढ़ती है और फिर कॉस्ट सेम रहती है सो लेट से फॉर एग्जाम्पल ये अचानक से बढ़ के तीन मिलियन हो गई तो अगर एक कॉस्ट दो मिलियन थी दो मिलियन से बढ़ के तीन मिलियन हो गई तो ये आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट हो गई ये स्टेप फिक्स कॉस्ट हो गई इसकी एग्जाम्पल क्या होती है इसकी एग्जाम्पल जो होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट की वो स्टेप फिक्स की एग्जाम्पल अगेन रेंट हो गया सुपरवाइजर सैलरी हो गई ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ रेंट हो गया कैसे मैं कहता हूँ सुपरवाइजर सैलरी हो गई कमीशन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसको जरा समझना मिसाल है कि मेरी फैक्ट्री चल रही है और मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो ऐसा है कि जब तक जो है ना वो तीन मशीनें चल रही है ना तो एक सुपरवाइजर चाहिए जहां चौथी मशीन डाली जहां पे फोर्थ मशीन ऐड हुई तो दो सुपरवाइजर चाहिए तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल अपटिल सिक्स मशीन मुझे दो सुपरवाइजर चाहिए सातवीं मशीन डाली तीन सुपरवाइजर चाहिए तो कहने का मकसद कुछ तरीके से कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी सुपरवाइजर की सैलरी की कॉस्ट ऐसे हो जाएगी यहाँ तक ये फिर अचानक से बढ़ी फिर बढ़ती चलती गई फिर अचानक से बढ़ी ये क्या कहलाता है ये एक स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होता है ये क्या होता है ये एक स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होता है कि कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है अ अटन एक्टिविटी लेवल देन फिर उसके बाद अचानक से उसमें एक स्टेप इंक्रीज आता है और स्टेप इंक्रीज आने के बाद फिर वो दोबारा से फिक्स हो जाता है डिक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है अच्छा आगे बढ़ू जी हाँ भाई आगे बढ़ जाऊं सारे ओके Hmm. सही है ओके okay, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगली डिस्कशन करते हैं अगली डिस्कशन जो है ना वो ये है कि वी नीड टू टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ दिस क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में तीसरा टाइप ऑफ बिहेवियर की बात करनी है और वो कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट <coughs> वॉइस इश्यूज हैं क्या किसी को मेरा नहीं ख्याल कोई वॉइस इश्यूज है यार इट्स ऑल क्लियर आपके कहने पे मैंने इंटरनेट भी स्विच कर दिया अब तो. Just hoping आप तो आई एम जस्ट होपिंग क्या बनाई होगा कोई इशू अगर पहले कोई इशू था भी तो नाउ Let's move a bit forward and let's talk further. Next what is variable cost variable cost the cost. That changes with. Changing activity levels. चेंजिंग एक्टिविटी लेवल्स तो एक ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज होती है विदेंजिंग एक्टिविटी लेवल दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्डल कॉस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मटीरियल की कॉस्ट होती है आपके पास लेबर की कॉस्ट होती है ये तमाम की तमाम कॉस्ट क्या होती हैं ये जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन चेंज होती रहती है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होते रहते हैं उस उस तरह से ये वाली कॉस्ट चेंज होती रहती है सो आई रिपीट जैसे जैसे आपके पास

कि ये एक्टिविटी है ये आपकी कॉस्ट है सही है ये एक्टिविटी है कॉस्ट जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी <coughs> uh, है फ्यूल है मटेरियल है ये होती है डेप्रीजिएशन यूजुअली सॉर्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट होती है क्योंकि डेप्रियन जो है ना वो चेंज नहीं होती विद चेंजिंग एक्टिविटी लेवल्स अनलेस अनलेस एंड एंड अंटिल अंटिल अनियन जो है ना वो डिपेंडेंट हो किस चीज के ऊपर अनलेस एंड अंटिल डेप्रिजन डिपेंडेंट हो यूनिट बेसिस के ऊपर कभी कभार होता है ना एक्टिविटी बेसिस के ऊपर डेपरियन होती है तो वो डेप्रिजन तो वेरिएबल होगी वरना डेप्रियन फिक्स हो अनडेरियन फिक्स्ड सही है भाई क्लियर है वेरिएबल कॉस्ट का ओके नाउ आखिरी जो चीज है वो आखिरी चीज को इस तरीके से कि वी हैव गॉट द लास्ट वन विच इज कंसीडर्ड टू बी मैं चौथे की बात करता हूँ विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसीडर्ड टू बी द सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है लेट्स हैव अ अ बिट ऑफ डिस्कशन सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अ कॉस्ट दैट इज पार्शियल पार्शियल फिक्स्ड एंड वेरिएबल तो एक ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली फिक्स्ड हो और जो कि पार्शियली वेरिएबल हो दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट सो आई रिबीट एक ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली फिक्स्ड हो जो कि पार्शियली वेरिएबल हो दैट इज गोइंग टू बी एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट इसकी है कि यार आपके पास जो घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपका जो गैस का बिल आता है आपका जो टेलीफोन का घर का बिल आता है मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि उसकी रीजन ये होती है कि उसके अंदर सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें पार्शियल फिक्स पार्शियल वेरिएबल होता है कैसे कि देखो एक एलिमेंट होता है लाइन रेंट का एक एलिमेंट होता है लाइन रेंट का तीन सौ दो सौ ढाई सौ चार सौ डिपेंडिंग अपॉन के किस चीज का लाइन रेंट है गैस का बिल का है या इलेक्ट्रिसिटी के बिल का है या टेलीफोन के बिल का है तो लाइन रेंट तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा अच्छा जी फिर देन उसके बाद जो है आप जितना कंजम्पशन करोगे तो कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर आपको पर यूनिट अलग पैसे लगते हैं तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट इस तरह की जो कॉस्ट होती है दैट इज कंसिडर टू बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है क्या मतलब मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी लेवल जीरो है ना तो जीरो पे भी ये कॉस्ट है ये कॉस्ट क्या है ये फिक्स एलिमेंट है और यहाँ पे जो है ना ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वाले पॉइंट के ऊपर ये टोटल कॉस्ट ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इस पे जो कॉस्ट हो रही है ये टोटल कॉस्ट हाँ कुछ टैक्सेस फिक्स हो सकते हैं बेटा लेकिन बट जनरली स्पीकिंग दैट इज वॉट इट इज देख यहां यहाँ क्लियर है सेमी वेरिएबल अच्छा भाई देखें किसी को कोई प्रॉब्लम सेमी वेरिएबल फिर से बता दे यार भाई प्लीज म्यूट कर दें मेरे भाई ऐसे ना करो हम भाई अच्छा देखें तो सिचुएशन ऐसी है कि टोटल कॉस्ट की समझ नहीं आई ग्राफिकली ओके मैं समझाता हूँ बेटा मैं समझाता हूँ एक मिनट देखो मेरी बात सुनो एक चीज ये समझना एक चीज ये समझना कि जो है बेसिकली क्या है और क्या नहीं है उसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वेन वी टॉक अबाउट जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लाइन रेंट है उस लाइन रेंट जो है ना वो तीन सौ रुपए और तुम्हारा पर यूनिट की जो कंजम्पन है ना वो कोई बीस रुपये और तुम्हारे टोटल यूनिट जो तुमने कंज्यूम किए वो तुमने टोटल यूनिट कंज्यूम किए लेट से के एक हज़ार यूनिट तुमने कंज्यूम किया तो अब तुम्हारा बिजली का बिल कितना आएगा तुम्हारा बिजली का बिल आएगा तीन सौ रुपये जो कि लाइन रेंट है प्लस बीस रुपये मल्टीप्लाय एक हज़ार यूनिट तो इसका मतलब ये बीस हजार रुपये आएगा तो इसका मतलब बीस हजार तीन सौ रुपये होगा इसका मतलब बीस हजार तीन सौ रुपये होगा यहाँ तक ले रहा है अच्छा अब बेसिकली अगर तुम ग्राफ बनाने के लिए जाओगे ना तो तुम्हारा ग्राफ यूं बनेगा तुम्हारे ग्राफ में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक हज़ार यूनिट अच्छा ये मैं ले रहा हूँ तीन सौ रुपये ये मैं ले रहा हूँ बीस हजार तीन सौ रुपये सही है अब ये ग्राफ के ऊपर हंसना नहीं ज़्यादा के यार ये ग्राफ कैसा बना रहे हैं सर बट एनी वेज जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू पीपल के हो क्या रहा है एक्चुअली अब बताओ अब समझ में आया हाँ भाई अब बताओ अब समझ में आया सही अब समझ में आया ना ओके तो बेसिकली क्या हो गया ये एक और कैटेगरी हो गई विच इज एक्चुअली दी वेरिएबल कॉस्ट तो हमने क्या कर दिया हमने वेरिएबल कॉस्ट की क्लासिफिकेशन भी कर दिया. तो अब हमने क्या कर लिया हमने एक्चुअली कॉस्ट बिहेवियर को डिस्कस कर लिया तफसील में कि जी कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है और क्या नहीं होता अच्छा आ, किसी को कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लें फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे वेरिएबल पोर्शन कौन सा है ग्राफ में ओके okay. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरिएबल पोर्शन कौन सा है ग्राफ में बेटा ये देख बात सुनना ये वाली जो लाइन है ना ये वाली लाइन ये जो कॉस्ट का एलिमेंट है ना ये वाला कॉस्ट का एलिमेंट ये फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है ना ये वाला ये यहां से यहां तक ये वाला एलिमेंट वेरिएबल का देखो समझ में आया हाँ भाई देखो समझ में आया सही है ओके गुड एनफ सो बेसिकली व्हाट है ये क्या हो गया ये हमने इसको कवर अप कर लिया विच इज कंसिडर टू बी कंसिडर टू बी वट विच टू बी और uh, एक सेकेंड हा अच्छा भाई देखें इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट स्टेप फिक्स होगी अच्छा देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट कॉस्ट है ना वो वेरिएबल ही होगी यानी कि वो स्टेप फिक्स नहीं कहलाती देखो मैं आपको देखो समझाता हूँ बिजली का बिल है ना अब अब इसमें छोटी सी बात समझना मिसाल है कि तुम्हारे जो ना पांच सौ यूनिट तक रेट है बीस रुपए पांच सौ से ऊपर यूनिट जाते हैं फाइव हंड्रेड प्लस यूनिट होते हैं तो लेट से पच्चीस रुपए रेट हो गया अच्छा जी वन थाउजेंड प्लस यूनिट हो गए तो तुम्हारा शायद जो है ना वो अट्ठाईस रुपए रेट हो गया अब ये वेरिएबल ही कहलाएगी ये कोई स्टेप फिक्स नहीं कहलाएगी आप इसको नाम दे सकते हो कि जी वेरिएबल स्टेप वेरिएबल हो गई या इंक्रीजिंगली वेरिएबल हो गई लेकिन आप इसको स्टेप फिक्स नहीं कह सकते आप इसको स्टेप फिक्स नहीं कह सकते आप समझो, आप इसको स्टेप फिक्स नहीं कह सकते हाँ इलेक्ट्रिसिटी में टीवी चार्जेस फिक्स होते हैं बेटा जी सही है ओके सारे लोग ले रहे हैं यहाँ तक अच्छा अब देखें आप एक बात सुनिएगा मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह भी शेयर करूंगा विच इज एक्चुअली गोइंग टू तो बी सम ऑफ़ द क्वेश्चंस जो कि आपको मैं दूंगा और आपने वो करके आने कल की क्लास के अंदर मैं आपको जरा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि वॉट आर गोइंग टू तो बी दो क्वेश्चन Uh, ये क्वेश्चन है ये कुछ मुख्तलि एसी सी ए के निकले हुए क्वेश्चन है कुछ अलग अलग तरह के सो so ये मैं कुछ आपको शेयर कर दूंगा अभी एक पीडीएफ फाइल आपने क्या करना है यू हैव टू अटेम्प्ट है फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं को जरा डिस्कस करेंगे और इसी को आगे लेके जाएंगे अच्छा आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो इस वक्त मुझसे पूछ रहे थे कि आईकेफ की कौन सी बुक में ये चैप्टर है तो आईकेफ में ये पहले एफ ए आर वन के अंदर होता था चैप्टर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से ये चैप्टर होता था, था अब ये एफ ए आर वन में से खत्म हो गया अब ये सी एम ए के अंदर जो ना वो आ गया है लेकिन सी एम ए के अंदर एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर यह चीज नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं आई केफ की जो ओल्ड बुक का रेलिवेंट चैप्टर है वो भी आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा जो ICAP की रेलिवेंट बुक का जो ओल्ड चैप्टर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी मैम अदर थैंक यू वेरी मच तो मैं वो ओल्ड बुक का चैप्टर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा सो दैट यू पीपल कैन प्लान सही है अच्छा अच्छा जी तो फ्रॉम uh, अच्छा साइड जी अगर आप में से कोई भी कोई सवाल पूछना चाहता है यू मे एक्चुअली अनम्यूट यूर सेल्फ एंड यू मे आस्क मैं नाम कॉल आउट करूंगा अगर जो है कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करना चाहता है इनफैक्ट आई इट्स गोइंग टू बिकम अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉल आउट नेम्स ऑफ एवरी वन क्योंकि माशाल्लाह से तुम लोग काफी हो तो जिसमें से भी कोई भी अगर अनम्यूट करना चाहता है यू में अनम्यूट आपके पास राइट से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप अगर चैट करना चाहते हैं आप चैट कर सकते हैं तो आप कोई सवाल है पूछ लें अल्टरनेटिवली प्लीज डू गिव मी अक अबाउट स्पेशली देशरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टूडे मुझे एक बात और भी कर दूं कि कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी बोरिंग क्लास होगी बिकॉज उन्होंने में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट हम क्या कर सकते हैं ये आपका पार्ट एंड पार्सल कोर्स है मैं क्या करूं? मियां मदर मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं ना बेटा सही है हेमंत थैंक यू शाहिद अकरम थैंक यू शहीर ऑल वेल इसक अलहमदुल्ला मियां मदर सही आई नो आई कैन अंडरस्टैंड जलीसा थैंक यू जी लर्न मतलब देखें बात सारी है कि आप मतलब तुम रट्टे मारोगे <laughs> हमजान अंसारी भाई समझ ले वक्त के साथ साथ याद हो ही जाएगा ना चीजें एक बार दो बार पड़ेगा याद हो जाएंगी और ये कि चीजें अगर मैं आ, 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 अगर मैं आपको जो है वो बेसिकली शेयर करूंगा ये रिटर्न नोट भी तो आप एक काम ये करें ना आप इसको जो है वो लिख दें आप इसको लिख लें अपना उसमें जी ये हैंड आउट भी शेयर होगा ग्रुप में आप अपने रजिस्टर में जब कॉपी करेंगे तो आपका खुद बा खुद वो हो जाएगा जी अलहमदुल्ला मुइन आज मैंने थोड़ी सी वैसे एनर्जी संभाल के रखी थी सही है क्योंकि उसकी रीजन है कि कल मेरी जब एनर्जी ज्यादा थी तो स्पीड भी ज्यादा थी जोया थैंक यू शाहिद अक्रम यार सीएमए इजी है टफ है ये ये कल जवाब ये जवाब मैंने कल भी दिया था कि सीएमए में थोड़ी सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है थोड़ा सा जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है कि आपको है ना अपना एप्लीकेशन स्किल्स लगाने होते हैं रट्टे पे काम नहीं चलता ए बदुल थैंक यू सभा थैंक यू सो भाई ऑल वेल थैंक यू फिजा ये ग्राफ में ये सर ये जो ग्राफ हैं इसमें टोटल कॉस्ट से क्या पर यूनिट से नहीं किया ना हाँ टोटल कॉस्ट से क्या पर यूनिट नहीं किया द अगर मैं जना वो <laughs> मैं वीडियो ऑन कर दूंगा तो वीडियो में मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस बेचारे के पास इंटरनेट थोड़ा सा वीक होता है ना तो फिर वो बेचारा प्रॉब्लम में आ जाएगा वो वो लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा शायद दोनों चीजें हो सकती हैं आप समझ भी सकते हैं आप लिख भी सकते हैं एक घंटे की क्लास है एंड आउट में डेली बेसिस पे शेयर करूंगा तो आप जना इसको अगर जो है वो समझ लें कुछ चीजें नोट डाउन कर लें और फिर जब मैं हैंड आउट दूं तो उसको आप अपने अपनी राइटिंग में रजिस्टर में लिख लें वो ज्यादा आसान हो जाता है मोइन कांसेप्ट वाइज मियां मदर अब मसला ये है कि मैं रुक-रुक के पढ़ा रहा था आज तो बहुत ज्यादा उसकी रीजन है कि तुम लोग कल ये ना बोलो कि भाई पेस बहुत तेज है सर लोकमान तो तेज काम है सही है ना कोई ये ना बोले तो अब आखिरी बात है कि जो है वो शादी कल भी यही चैप्टर होगा लेकिन कल कॉस्ट क्लासिफिकेशन के एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे इनशाला सही है जी सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर योर टाइम और फिर उसके बाद जो है इनशाला अब ये कि हम पंद्रह मिनट में एम की क्लास स्टार्ट करेंगे सो दैट इज आवर थिंग्स आर गोइंग टू बी फ्राइडे uh, ऑफ हाँ यार फ्राइडे तो ऑफ है क्लास ऑन सैटर इस सैटरडे क्लास रख लूंगा uh, कल मैं नहीं रखूंगा so yeah, चलो मैं आपको हैंड शेयर कर रहा हूँ थैंक यू मच अल्लाह हाफिजाफि